करते हैं ना सुनी हजरा जी, वो कहते हैं जी आप बताएं किसों के तुलील अमर कौन, किसकी इताअत करें। आप देखें वो जो इस्माइली है वो तो कहते हैं ठीक है हम उनके इमाम को ना माने तो और बात है, लेकिन वो कहते हैं बंदा तो हमारा मौजूद है जाओ जाके मिल लो उसको। आप देखें अब इंजीनियर साहब ने जब बात कोई जरूरी, जब इंजीनियर साहब ने बात की ना तो उस पर फैजे तशीओ भाई बहुत नाराज हुए। अब ये सब कहते हैं भाई मैंने कोई नजायज बात तो नहीं की, मैंने क्या अगर मेरा दिमाग तो नहीं खराब के मैं जाके नमा अफ्ताब गाजी साहब से पूछूं जी क्यों पूछूं जी जी, जब मेरा इमाम मौजूद है ना क्यों ना इमाम के पास चला जाऊं मैं पागल हूं। आपने कहा जी मैंने कोई नजायज बात की, मसल मैं कहता हूँ लामा अफ्ताब गाजी साहब का मुझे नंबर दे जी, तो कहते हैं अल्लाह तशियो ने इस बात पे क्यों बुरा माना। अच्छा ठीक है, उन्होंने बोला अल्लाह रसूल की इताअत करो, तो कहते हैं नंबर मुझे बता दे ना जब नहीं यार आप रसूल को मिले, रसूल मौजूद है तो जिसे मुझे मिले ना, कहते हैं जिसे मौजूद हदीसे मौजूद से मौजूद कुरान में 12 से अली से लेकर 11 तक हदीसे मौजूद है, मौके मौजूद है। बात जब कहते हो कि ये जाहिलाना सवाल है आज तक किसी ने नहीं किया, बड़े मुहदीस गुजरे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग गुजरे कि हमें इमाम माती मिलाओ हमने मिलने नहीं, शाह साहब पीछे रसूल है अती उल्लाह पहले अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। ये तो ऐसे है कि हजरत नूअल है कि नूअल है हजरत मूसा है इस्लाम पूरी नमन तो सुने ना, ना, करने सुने ना जी मैं अपने ही नहीं फैसले यहाँ नहीं लिखा कि वो फैसले करने कहा पूरी नमन पर किस लिए नहीं जो बोले अमर का मकसद ये है ना 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 दुनिया की हुक्मरानी नहीं होगा नहीं 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 जी नहीं 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 अच्छा नहीं अल्लाह रसूल तो नहीं सुने मेरी बात वो हुक्मरानी करेगा नहीं मेरी बात नहीं नहीं हुक्मरानी किस लिए अमर का मकसद है कि हुक्म हुक्म करने वाला वो नहीं है कि वो नफ्से नफीस मौजूद हो। अगर यानी मौला अली सुने करें ना सुने मौला अली अगर नजफ में है हम पाकिस्तान में तो फिर हमारे पास सुने। पहली ये शर्त है हम उनसे ये पूछते हैं कि आप कहते हो कि ओले लामर इसलिए नहीं है कि आप वो हाजिर नहीं है, हमें बताओ रसूल कहाँ है अल्लाह हमें हाजिर करो। ये तो जनाब इनका मिर्जा साहब का ऐसे सवाल है कि जैसे 70 उन रईसों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ले गए कोई दूर पे के यानी जब तक हम अल्लाह को जहर बगैर ना देख लें हम हर के ईमान नहीं लाएंगे, हमें अल्लाह दिखाओ। और सूरह बकरा की इब्तिदा का है गैब पर ईमान लाते हैं वो, जो अल्लाह और रसूल ने फरमा दिया है वो कहते हैं रसूल ने सच फरमाया अल्लाह ने सच फरमाया, वो ऐसी बातें करते हैं जिनको ना रसूल की बातों पर यकीन आए ना अल्लाह की बातों पर। मुफ्ती साहब के शागिर्द वो एक मिसाल देते हैं, वो कहते हैं जी आपके घर में घी लाए आप, अच्छा रोटी आप सूखी खा रहे हैं, हाँ ठीक है तो घी का फायदा ही कोई नहीं। वो कहते हैं जी सवाल ये हम तो मानने को तैयार है, हम तो उनकी कदम बोसी करेंगे, अच्छा हमसे बड़ा कौन होगा भाई, मेरा उनसे सवाल है सुने हमारे नहीं मेरा उनसे सवाल है सुने सुने जी मेरा उनसे सवाल है कि रसूलुल्लाह तो मौजूद नहीं है, रसूल के गैब दिखाओ आप उनसे तो मिल लेना, अगर आप चाहते हो कि हमारे सामने हो हम उनसे मसाइल हल करें। यानी ये एक आपने सवाल किया आज तक किसी ने नहीं, तो मुझे इसमें एक वाक्या भी बताया था, सुने नहीं जगह गया इस्माइलियों का और नशियों का मुनाजरा हो रहा था, ये बड़ी पुरानी बात है वो तो खैर बातें करते हैं तो कहते हैं इस्माइली मेरी बात सुने मौलाना इसहाक साहब मौलाना इसहाक साहब के तफर्रुदात हैं, तफर्रुदात बिल्कुल अलग थलग, ना कोई दलील ना मंतिक ना कोई माकूल बात, मैं यानी मिसालें भी आपको दे चुका हूँ बहुत सारी, उनकी बात बिल्कुल माकूल है। अगर आप कहते हैं कि उले नमर हाजिर होने चाहिए तो देना होने चाहिए, इतना भी हुक्म दे देखें हुक्म उन्होंने दे दिया अल्लाह ने, अल्लाह आप देखें आप देखें आप देखें यानी रसूल की इताअत करें, रसूल की सुने रसूल नहीं रसूल की इताअत करें, रसूल ने कहा है कि दज्जाल है ठीक है बिल्कुल है बिल्कुल है, दज्जाल कोई नजर तो नहीं आ रहा किधर है हमें तो नहीं नजर आ रहा। नहीं वो मैं जनाब कहूं भाई जब तक दज्जाल सामने ना हो, जब तक दज्जाल सामने ना हो उस वक्त तक यानी मैं क्या नाम है दज्जाल को नहीं तस्लीम करूंगा। ये तो ड्यूटी जो वो जो उस तरह शुरू होगी ना जब उसे आके शैतानियत करेगी, ड्यूटी की बात है नहीं, अमर की तो ड्यूटी हर वक्त है। नहीं 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 कोई नहीं बोले अमर की ये बात नहीं, असल है यानी यानी देखें हजरत 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 कौन थे जी ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या है 10 साल के लिए वो जो छुप गए थे जी मदियन
मदीन चले गए 10 साल के लिए, एक अल्लाह का नबी गायब हो गया और वो कोई यानी पुरानी बात है, कत्ल का मसला था। वो जनाब 10 साल उन्होंने कहा हजरत शुआब अलैहिस्सलाम ने कि मैं आपको बेटी भी दूंगा, आप इधर रहे, आपको कत्ल ना कर दे शहीद। 10 साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का अम्र क्यों ना पहुंचाया, अल्लाह की तबलीग क्यों ना पहुंचाई। हम पूछते हैं अगर आप कहते हो कि हमें जनाब खुद इमाम मादी आ जाए, आपकाना सवाल है तो ये यानी और भी सवाल किया जा सकता है, नबी भी यानी अल्लाह ने उनको उठा लिया है, उनके बारे भी सवाल करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल क्यों जनाब गायब रहे, 10 साल क्यों यानी उन्हें अमर उनकी इताअत से क्यों यानी मालूम रहे। लिहाजा ये कोई बात नहीं है, उलिल अमर का मकसद है उन, देखें आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह इसलिए सामने नहीं है कि उनकी हदीस मौजूद है, हम कहते हैं कि अली से लेकर इमाम हसन अस्करी तक, बल्कि इमाम मोहम्मद मादी की यानी तौकियात मौजूद है, यानी वही मौके मुल्ला मोइन ठटवी ने दिरासातुल नबी में लिखा है, शाह वलीउल्लाह का शागिर्द है, वो लिखता है कि अइमा अहले बैत का पहले का कौल और आखिर का कौल एक होता है, जो पहले का कौल है, जो पहले का अमल है, वही यानी आखिर का होगा। जब पहले की आप नहीं मानते, दूसरे की नहीं मानते, हुसैन की नहीं मानते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नहीं मानते, और अल्लामा वहीदुज़्ज़मान हैदरी ने यही हैदराबादी ने रोना रोए है कि सुनियों ने अहले बैत को छोड़ दिया है। बुखारी में कितनी इसलिए नहीं, मेरी ये बात सुन ले, इसलिए जिस तरह हदीस मौजूद है रसूल बनफ से नफीस मौजूद नहीं है जहरी, इसी तरह 12 आदि आने पर हक वो अपना मौकिफ उम्मत को दे गए, वो सब अपना तरीका बता गए हैं, हदीस की किताबें मौजूद हैं, उनका जनाब तरीका मौजूद है, हुजूर भी बता गए हैं कि मैं 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, और अली से लेकर माती तक है नाम भी हमने आपको बता दिए हैं। आप ये कहते हैं हमें वो सामने आए, वो तो यानी अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। आप जनाब ईसाई कहें कि हम जी हजरत ईसा पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक वो मेरे हमारे यानी सामने नहीं होंगे, लिहाजा यानी नबी अमर तो बाद की बात है, नबी का क्या हुक्म होता है, यानी साहिब शरीयत नबी है, दीन पर आज जनाब ईसाई जो है गुमराह हो रहे हैं, असल दीन उन तक नहीं है, लेकिन हजरत ईसा भी तब आएंगे जब मादी आएगा और वो खड़े होंगे, हत्ता कि उनकी यानी बायत करेंगे,